तो वधु एक महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। एआईएमआईएमना अध्यक्ष असुद्दीन औवेसी गुजरातनी मुलाकाते छे। आ दरमियान तेओ आजे भरूचमां छे, ज्यां जनसभानुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। छोटू वसावा साथे आ पहेला तेओ खास मुलाकात करी छे अने हवे तेओ सभास्थळे पहोंचशे। भरूचमां विशाळ जनसभाने पण तेओ संबोधवाना छे। बीटीपी नेता छोटू वसावा साथे तेओ आ पहेला बैठक करी छे अने हवे भरूच खाते एक जनसभानुं आयोजन करवामां आव्युं छे, ज्यां तेओ जनसभाने संबोधशे। अवेशीय मंतव्य न्यूज साथे पण खास बातचीत करी छे। એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસુદ્દીન ઓવેસી હાલ ભરૂચ પહોંચ્યા છે, ગુજરાતની મુલાકાતે છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું। સર, આપ દો દિન કે ગુજરાત કે દોરે પર હૈ, ક્યા કહેંગે? મતલબ જિસ તરહ સે આપકી પાર્ટી 21 સીટો પર જબ ચુનાવ લડ રહી હે, તો હમ લોગ પહેલી મર્તબા ગુજરાત કો આયે હૈં ઓર હમ તો ગુજરાત કી जनता से उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे। और पहला इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी के साथ। तो देखिए, आगे भी जाएंगे, आगे भी ये अलायंस रहेगा, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि राजस्थान में भी रहेगा, हम वहाँ पर भी जाएंगे। अच्छा सर, गुजरात की बात करें तो अभी ये बात चर्चा में आ रही है, भाजपा भी ये कह रहा है कि मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए एआईएमआईएम गुजरात आया है। भाजपा कह रही है ये, जो भाजपा स्टेट्स में जो रिलीजियस कन्वर्जन नाम पर जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? कि भाजपा तो उनकी शुरुआत खुद कम्युनलिज्म पर हुई है, उनकी आइडियोलॉजी खुद उसी पर है। तो वो हमको कह रहे हैं, बताइए कौन सी हम राजनीति कर रहे हैं जिससे फिरका परस्ती या कम्युनलिज्म में आगे बढ़ावा मिल रहा है। सर, अगर गुजरात में देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा गुजरात की जनता ने कभी भी तीसरे मोर्चे के बारे में कभी नहीं सोचा है। तो सुनिए, गुजरात की जनता को तो इन दोनों पार्टियों ने ये तो इनकी डीलिंग है कि हम दोनों ही रहेंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी के साथ हम एक ऑल्टरनेट पोलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, बनेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे गुजरात जनता का दिल जीतने के लिए और आगे बढ़ेंगे। सर, कल चुनाव में भी 21 सीटों पे आपके उम्मीदवार ने फॉर्म फाइल किया है, तो कांग्रेस ये कह रहा है कि 15 सीटों की बात थी, 6 जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से जो गए हैं उनको लिया है। अबे कांग्रेस का छोड़िए ना, कांग्रेस में दमखम है ही नहीं। कांग्रेस क्या कर, कांग्रेस की वजह तो बीजेपी जीत रही है गुजरात में। अगर भी कांग्रेस अच्छी होती तो फिर इतने साल बीजेपी क्यों सरकार बनाती है? सर, अब की बात करें तो फिर सर अभी ये चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन वजहों से गुजरात की जनता आपको? बहुत से मुद्दे हैं। शेड्यूल 5 का नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, 121 गांवों को इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है। एक क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है जो इन तमाम पार्टी से आज़ाद हो, ये और गुजरात की जनता, गरीब आवाम को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो आ हता असुद्दीन ओवेसी, जेमनु कहेवुं छे के जे प्रकारे भाजप अने कांग्रेस नी वच्चे एआईएमआईएम ने क्यांक जे मतोनुं ध्रुवीकरणनी वात थई हती के अन्य मुद्दाओ पर जे वात थई हती तेने ज लईने क्यांक प्रजा छे ते तेमना उपर क्यांक विश्वास मूकशे। कैमरामैन पुखराज शर्मा साथे रीमा दोशी, मंतव्य न्यूज़, भरूच। અવેસીએ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં કહ્યું છે કે અનેક એવા મુદ્દાઓ છે જેને લઈને અમે આ ચૂંટણીમાં ઉતર્યા છીએ અને ગુજરાતની જનતા તેમની પર ભરોસો મૂકે એવો વિશ્વાસ પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યો છે। 21 સીટો પર તેઓ ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર છે। ભાજપે અત્યાર સુધી મતોનું ધ્રુવીકરણ કર્યું છે તેમ પણ તેમણે મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને એકબીજાની બી ટીમ છે, કોંગ્રેસે પણ શું કર્યું ગુજરાતમાં એમ પણ સવાલ તેમણે કર્યો હતો ને એટલે જ 25 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક હથ્થું શાસન છે। અસુદ્દીન ઔવેસીએ મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ભાજપ કોંગ્રેસ બંનેને આડે હાથ લીધા હતા।